दोस्तों अगर आप अपने फोन के क्विक टॉगल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक सेंसर्स ऑफ का ऑप्शन मेरे मोबाइल में देखने को मिल रहा है, मगर क्या आपके मोबाइल में ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है? मुझे पूरा यकीन है कि आपके मोबाइल में ये सेंसर्स ऑफ का टॉगल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल में यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, जो बदल के कभी 90 हो जाता है, कभी बदल के 120 हो जाता है। तो ये 60, 90, 120 का चक्कर क्या है दोस्तों? आखिर माजरा क्या है? आप अभी अपने मोबाइल में देखिए, ये 60, 90, 120 देखने को नहीं मिलेगा। वैसे जो 60, 90 आप समझ रहे दोस्तों, वो यहाँ पर बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप पबजी मोबाइल गेम खेलते हैं तो यहाँ पर आपको करंट एवरेज FPS दिखा रहा है, जो कि 60 FPS पे भी आप देख सकते हैं रन कर रहा है। और आप GPU लोड देख सकते हैं, आप CPU लोड देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक विजेट जो आ रहा है दोस्तों, ये कैसे आ रहा है? क्या आपके मोबाइल में ये विजेट आता है जब भी आप पबजी मोबाइल खेलते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और मैं आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारी इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहाँ आज बात करने वाले हैं आपके मोबाइल में ऐसे हिडन सेटिंग्स की, जिसको नॉर्मली आप में से कोई भी यूज नहीं करते हैं या बहुत कम के बराबर यूज करते हैं, जिससे आप अपने मोबाइल के प्रो यूजर नहीं बन पाते हैं। दोस्तों आपके मोबाइल में स्प्लिट स्क्रीन है, ऐप क्लोनिंग है, सेकंड स्पेस है, तो इन सब फीचर्स का तो ऑब्वियसली आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं, मगर क्या आप इससे प्रो यूजर बन पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। अगर आपको प्रो यूजर बनना है अपने मोबाइल का, तो आपको इन सारे खतरनाक वाले सेटिंग्स का पता होना बहुत जरूरी है, जो आपके मोबाइल में ही है, छिपा हुआ है और आपको पता नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं जिन हिडन सेटिंग्स की बात कर रहा हूं, उसको डेवलपर ऑप्शंस कहा जाता है। और वो आपके मोबाइल में कहां होता है? तो वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है आपके मोबाइल में, क्योंकि वो अपने आप में एक हिडन सेटिंग्स है दोस्तों। तो उसको इनेबल करने के लिए क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली आपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाएंगे, अबाउट फोन में जाएंगे, इसके बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और आप देखेंगे आपको बिल्ड नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये तो सैमसंग फोन है दोस्तों, इसलिए आप बिल्ड नंबर पर मल्टीपल टैप करेंगे। इनकेस आपके पास डिफरेंट ब्रांड का मोबाइल है दोस्तों, डेवलपर ऑप्शन हर ब्रांड के मोबाइल में होता है और बिल्कुल उसको इनेबल ना होता है, जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। चाहे आपका Realme का मोबाइल हो, Oppo का मोबाइल हो, Vivo का मोबाइल हो या फिर MI हो, Redmi हो, MI Redmi में दोस्तों आपको अबाउट फोन में जाकर MIUI वर्जन को मल्टीपल टैप करना पड़ता है लगभग 7-8 बार। और अदर मोबाइल में आप देख रहे हैं बिल्ड नंबर, इसको आप मल्टीपल टैप करेंगे। आप देख सकते हैं ये बोल रहा है यू आर नाउ वन स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग अ डेवलपर, तो आपको सिक्योरिटी पैटर्न मांगता है, बस आपको दे देना है। और जैसे ही आप दे देंगे, डेवलपर मोड हैज बीन इनेबल्ड। तो अब डेवलपर मोड आप कहां देखेंगे दोस्तों? तो आप बैक जाएंगे वापस सेटिंग्स में, सबसे नीचे आएंगे तो देखेंगे डेवलपर ऑप्शन का जो फीचर है वो इनेबल हो जाता है, देखने को मिल जाता है। बस इसके अंदर जाना है और आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन आपका ऑन हो जाता है। तो अब डेवलपर ऑप्शन जब ऑन हो ही गया है, तो हम लोग पहले हिडन फीचर को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मेमोरी का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे मोबाइल्स में जब आप रिसेंट्स में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको मेमोरी का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है कि कितना मेमोरी आपका फ्री है, कितना यूज हो रहा है, टोटल कितना मेमोरी है। मगर वहां पर इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड होता है कितना यूज हो रहा है और कितना फ्री है। यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि लास्ट 3 आवर्स में कितना मेमोरी यूज हुआ है, 6 आवर्स, 12 आवर्स या पूरा का पूरा एक दिन पहले आपने कितना मेमोरी यूज किया है। तो 7 GB मेमोरी यूज हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मेमोरी यूसेज में आप जाकर मेमोरी यूसेज को भी देख सकते हैं कि लास्ट एक दिन में कौन कौन ऐप कितने मेमोरी को यूज किए हैं। जैसे एंड्रॉइड वॉज आप देख सकते हैं 2.7 GB है। इस तरह से सारे ऐप्स का मेमोरी यूसेज आपको यहाँ पर देखने को बहुत आसानी से मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जब आप बैक जाएंगे और मेमोरी ऑप्शन के नीचे देखेंगे, तो रनिंग सर्विसेज का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऐप है जो कितना रैम यूज कर रहा है आपका अभी के समय में। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 12 GB रैम में आपका 6.7 GB रैम जो है वो फ्री है, बाकी सिस्टम ऐप्स और आपका यूजर ऐप्स एक्वायर करके रखे हुए। और वो कौन कौन सा ऐप या एप्लीकेशन है दोस्तों, उसका डिटेल्स आपको सारा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, आप किसी भी ऐप में जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इसको फोर्सफुली यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। और इसका फायदा यह है दोस्तों कि अगर आपको अभी रैम की जरूरत है, तो इंस्टेंटली आपको रैम अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ बढ़ते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, जब भी आप USB केबल लगाते हैं अपने मोबाइल में और उसको लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, तो बार बार वो बोलता है चार्जिंग स्टेटस है, मगर एक्चुअली आप चार्ज करने के लिए अपना केबल नहीं लगाते हैं, आप लगाते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए या फाइल ट्रांसफर करने के लिए, इमेज वीडियो ट्रांसफर करने के लिए। तो उसके लिए दोस्तों आप बार बार अपना टॉगल यूज करते हैं, फिर नोटिफिकेशन पैनल में जाते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कि आपका USB क्या काम करेगा, फाइल ट्रांसफर करेगा। तो बाय डिफॉल्ट वो इनेबल नहीं होता, आपको बार बार ये करना पड़ता है जितने बार भी आप USB कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल में। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको डेवलपर ऑप्शंस में देखने को मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको डिफॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर, बस इसको आपको इनेबल कर देना है। और जैसे ही आप इनेबल करेंगे, तो ये जितना भी ऑप्शन उस समय मांगता है जब आप टॉगल और नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं USB केबल लगाने के बाद, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप हमेशा यूज करते हैं। जैसे मैं नॉर्मली ट्रांसफरिंग फाइल्स के लिए ही कनेक्ट करता हूँ अपने मोबाइल को लैपटॉप या डेस्कटॉप से, तो मैं बस इसको टच कर दूंगा, बैक चला जाऊंगा, तो अब मैं जब भी केबल कनेक्ट करूंगा अपने लैपटॉप से, तो ये फाइल को ही ट्रांसफर करेगा। ये मुझसे अननेसेसरीली कभी नहीं पूछेगा कि आपको चार्जिंग करना है, क्या करना है,
है नहीं करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर्स की तरफ, तो हम लोग इसके थोड़ा ऊपर आएंगे और आप देखेंगे शो रिफ्रेश रेट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको जैसे ही इनेबल करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर 60 आ जाता है। तो दोस्तों ये 60 क्या दर्शाता है, तो अभी 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे मैं अपने मोबाइल को ऑपरेट कर रहा हूँ। आप जानते हैं आपको 90 हर्ट्ज का भी रिफ्रेश रेट आजकल मोबाइल में मिलता है, 120 हर्ट्ज का भी रिफ्रेश रेट मिलता है। तो अगर आप 90 और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे अपने मोबाइल के सेटअप किए रहेंगे तो आपको यहाँ पर 90 और 120 देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर्स की तरफ, तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और आप जानते हैं दोस्तों डिस्प्ले में अगर आप जाते हैं तो आपका जो मैक्सिमम स्क्रीन टाइम आउट है वो 10 मिनट कहीं आपको देखने को मिलता है, मगर कभी कभी आपका रिक्वायरमेंट हो जाता है कि नहीं मेरे को जो टाइम आउट है यानी आपका मोबाइल का स्क्रीन जो है वो एक घंटे आधे घंटे तक ऑफ ना हो, जैसे आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं बैकग्राउंड में और नॉर्मली आपका स्क्रीन ऑफ हो जाता है तो डाउनलोड भी रुक जाता है, तो आप चाहते हैं नहीं 10 मिनट से ज्यादा आपका स्क्रीन जो है वो ऑन रहे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आप अपने डेवलपर ऑप्शंस में पा सकते हैं, इसके लिए अगेन आपको डेवलपर ऑप्शंस में जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टे अवेक का ऑप्शन मिल जाता है, बस इसको आपको इनेबल कर देना है। लेकिन इसमें एक कैच ये है दोस्तों कि ये कभी भी नहीं सोएगा अगर आप चार्जिंग मोड में इसको रखेंगे, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये हमेशा जागे रहे आपका स्क्रीन तो बस आपको इसको चार्ज कर देना है, यानी कि अपना यूएसबी केबल जो है इसमें लगा देना है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ, तो हम लोग इसी में नीचे आएंगे और आप देखेंगे आपको क्विक सेटिंग्स डेवलपर टाइल्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर आपको सेंसर्स ऑफ का ऑप्शन मिलता है जिसको आपको इनेबल कर देना, और जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे आप देखेंगे क्विक टॉगल्स में आपको एक सेंसर्स ऑफ का टॉगल देखने को मिल जाता है जो पहले नहीं था, इसको बस आपको इनेबल कर देना है और सारा सेंसर्स आपका ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है दोस्तों, यानी आप चाहते हैं कि कोई भी ऐप आपके किसी भी सेंसर्स को यूज ना कर सके तो बस आपको इसको इनेबल कर देना है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं अगर मैं कैमरा खोलना चाहूंगा तो कैमरा नहीं खोलेगा, देखिए सिक्योरिटी पॉलिसी प्रिवेंट्स यूज ऑफ कैमरा, मगर जैसे ही आपको लगता है कि बस अब उसका जरूरत नहीं है तो आपको सेंसर्स ऑफ के टॉगल को ऑफ कर देना है, बैक जाना है और आप देख सकते हैं अब कैमरा आप खोलेंगे बिल्कुल आसानी से खुल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपको कभी भी लगता है कि आपका मोबाइल स्लो काम कर रहा है या आपका बैटरी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं है, बैटरी बैकअप उतना नहीं है जितना आपको पहले मिलता था, तो परफॉर्मेंस का इश्यू अगर आपके मोबाइल में है दोस्तों, आपको जरा सा भी लगता है आपका मोबाइल स्लो है तो बस इस ऑप्शन को आप इनेबल कर लीजिए और देखिए आपका फोन मक्खन की तरह बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा। इसके लिए आपको बस नीचे आना है और तब तक नीचे आना है जब तक आपको एनिमेशन स्केल देखने को ना मिल जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडो एनिमेशन स्केल है, ट्रांजिशन है, एनिमेटेड ड्यूरिंग स्केल है, तो इन सब का बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1x देख रहे होंगे, बस इसको आपको बदल के 0.5x कर देना है। ठीक इसी तरह से ट्रांजिशन का भी आप 0.5x कर दीजिए और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल का भी आप 0.5x कर दीजिए। और दोस्तों बस इन तीन एनिमेशन स्केल का ऑप्शन आपने जैसे ही चेंज कर दिया 0.5x, आप देखेंगे कि बिल्कुल रेवोल्यूशनरी चेंज आपके मोबाइल में आ चुका है, बस उसको अब आपको एक्सपीरियंस और फील करने की जरूरत है। आपका फोन पहले से काफी फास्ट हो चुका है, बिल्कुल भी लैग फ्री अब रहेगा और आपका बैटरी बैकअप डेफिनेटली एक दिन से डेढ़ दिन हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में दोस्तों बिल्कुल भी कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको इससे फायदा होता है तो। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ, तो हम लोग इसके थोड़ा ऊपर आएंगे और आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिव का, इसको बिल्कुल से आपको इनेबल कर लेना है। इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि जब भी आपका वाईफाई एक्टिव होगा और जरा सा भी आपके वाईफाई में प्रॉब्लम होगा तो ऑटोमेटिकली आपको मोबाइल डेटा में ये स्विच कर जाएगा, यानी आपका नेट बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। इसके ठीक ऊपर आप देख सकते हैं वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग का ऑप्शन है, इसको भी बिल्कुल आपको इनेबल करके रखना चाहिए। इससे फायदा यह होगा दोस्तों कि आपका बैटरी ड्रेन जो है जब भी आप वाईफाई यूज करते हैं कम से कम होगा और आपका नेटवर्क का परफॉर्मेंस काफी हद तक बढ़ जाएगा। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ, तो ये फीचर जो है वो गेमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर आप गेमर हैं और आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल से मैक्सिमम रिजल्ट निकले, आप गेमिंग बिल्कुल मक्खन की तरह करें, बिल्कुल रॉकेट की तरह फास्ट आपका गेमिंग एक्सपीरियंस हो, तो ये तीन चार सेटिंग्स जो है आपको मोबाइल में 100% इनेबल करके रखना ही चाहिए। और आप देखेंगे कि कल जब आप गेमिंग कर रहे थे तो आपको काफी प्रॉब्लम होता था गेमिंग करने में, मगर उसी फोन में आज जो गेमिंग है वो कितना स्मूथ हो गया है, कितना बटरी हो गया है। तो हम लोग बढ़ेंगे सबसे पहले अपने ऑप्शन की तरफ और थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ग्राफिक्स ड्राइवर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इसके अंदर आपको जाना है और इसमें आप देख सकते हैं ग्राफिक्स ड्राइवर फॉर ऑल एप्स बाय डिफॉल्ट यहां पर सेट है, आपको इसमें से अपना गेमिंग ऐप जो है वो खोज लेना है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मेरे को मिल जाता है और यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप इसको टच करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिल जाता है ग्राफिक ड्राइवर के लिए, एक डिफॉल्ट एक सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर है। तो बिल्कुल बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए हमेशा आपको सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर को ही इनेबल करके रखना चाहिए और अब अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेलेंगे तो आपका बिल्कुल खेलने का एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा, बिल्कुल दावे के साथ मैं कह रहा हूं। तो ये तो पहला सेटिंग है सिर्फ दोस्तों, अभी और भी तीन चार सेटिंग्स अभी हम लोग चेंज करेंगे। इसके लिए ऑब्वियसली हम लोग बैक जाएंगे और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इनेबल गैबल डोर शेक का, बस इसको आपको इनेबल कर देना है और ये फीचर
करता क्या दोस्तों, तो ये लेटेंसी बिल्कुल कम कर देता है आपके ब्लूटूथ डिवाइसेज में कनेक्शन का, ताकि जब भी आप अपने ब्लूटूथ ऑडियो से ऑडियो सुन रहे होते तो बिल्कुल स्मूथ आपको ऑडियो सुनने को मिलता है, जरा सा भी लैग आपको देखने को नहीं मिलता है। अब जब हमने गैबर डोर्से को इनेबल कर दिया तो अभी थोड़ा और नीचे आएंगे और नेक्स्ट सेटिंग की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपको यहाँ देखने को मिलेगा फोर्स 4X MSA, इसको भी बिल्कुल फटाक से आपको इनेबल कर देना है। और ये क्या करता है दोस्तों, तो आपका ग्राफिक्स काफी इंप्रूव कर देता है, और ये इंप्रूवमेंट इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ये रेंडरिंग करता है बहुत ही हाई क्वालिटी ऑफ विजुअल्स को, जिससे आपको बिल्कुल मक्खन की तरह स्क्रीन मिलता है, भले ही आपका FPS कम 60 FPS ही क्यों ना हो। और इसी में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे GPU वॉच का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि One UI में आपको देखने को मिलता है, अदर ब्रांड्स में आपको पावर मॉनिटर के नाम से मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें जाना है, GPU वॉच को आपको बिल्कुल से इनेबल कर देना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है विजेट्स का, जिसको आप देख सकते हैं कस्टम विजेट भी है, विजेट्स फ्रॉम प्रीसेट भी है। विजेट्स फ्रॉम प्रीसेट में आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप FPS को ट्रैक कर सकते हैं और ओवरऑल लोड को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो GPU का लोड हो और CPU का लोड हो, या नहीं तो बिल्कुल सेफर साइड आप जाएंगे, कस्टम विजेट को सिलेक्ट करेंगे और इन तीनों ऑप्शंस को, चाहे करंट FPS हो, CPU ओवरऑल लोड हो या GPU लोड हो, बस इसको आपको इनेबल करके ओके कर देंगे। और आप देखेंगे यहाँ पर कस्टम विजेट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, मगर अभी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखता है क्योंकि एक बार आपको बैक जाना होगा, और जैसे ही आप बैक जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं करंट जो FPS है वो क्या है, तो 31 पे है, GPU का लोड क्या है, CPU का लोड क्या है, वो आपको क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट आप इसके साइज को भी कस्टमाइज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कस्टम विजेट में जाकर आप देख सकते हैं आप स्मॉल कर सकते हैं, आप मीडियम कर सकते हैं, आप लार्ज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले सेटिंग्स में जाके डिस्प्ले में जाके डार्क मोड को इनेबल कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग फ्लिपकार्ट या अमेजन कोई भी खोलेंगे, जैसे फ्लिपकार्ट को खोल लेते हैं, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि डार्क मोड का कोई असर इस पर नहीं हुआ है दोस्तों, जिसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन पेटीएम ये सब ऐप जो है डार्क मोड को सपोर्ट ही नहीं करता है। आश्चर्य की बात है क्यों नहीं करता है, इतना बड़ा ऐप और डार्क मोड को ही सपोर्ट नहीं करता है, जो कि सबसे बढ़िया फीचर मेरे अनुसार एंड्रॉइड में देखने को मिलता है। तो कोई नहीं दोस्तों, इनके अकर को भी तोड़ेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, अगेन हम लोग डेवलपर ऑप्शंस में जाएंगे, और यहाँ दोस्तों काफी स्क्रॉल करना है नीचे की ओर, आप देखेंगे आपको फोर्स डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स डार्क मोड है, इसको बस आपको इनेबल कर देना है। ये करता क्या है दोस्तों, कोई भी ऐप जो कि सपोर्ट नहीं करता है डार्क मोड को, इसको फोर्स करता है कि नहीं तुम डार्क मोड में अपने आप को दिखाओ। और जब हम लोग फोर्स कर चुके हैं दोस्तों, तो अब क्या करते हैं, हम लोग फ्लिपकार्ट को बंद कर देते हैं और देखते हैं फ्लिपकार्ट को खोलते हैं तो क्या डार्क मोड में खुलता है या नहीं खुलता है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं फ्लिपकार्ट जो है डार्क मोड में खुल जाता है। ठीक इसी तरह से अमेजन को भी चेक कर लेते हैं, वो डार्क मोड में खुलता है कि नहीं, और यहाँ भी आप देख सकते हैं अमेजन भी डार्क मोड में खुल जाता है। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ, जिसको हम लोग फीचर नहीं कहेंगे दोस्तों, बट ये भी एक मजेदार ऑप्शन है जिसको आप जरूर यूज करना चाहेंगे और देखेंगे कितना मजेदार ये है, जिसको फ्लोटिंग क्लॉक के रूप में जाना जाता है। बस इसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना, आप देख सकते हैं फ्लोटिंग क्लॉक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आप जिसको चाहे तो कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है ना काफी मजेदार ऑप्शन, कहीं भी इसको आप सेट कर दीजिए आपको जहां भी कन्वीनियंट लगता है। और ये बिल्कुल लाइव क्लॉक आपको दिखाता है, मिनट्स के साथ सेकंड्स भी आपको दिखाता है, जो कि नॉर्मली आपको मोबाइल में यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, डेवलपर ऑप्शंस में इतने सारे हिडन फीचर्स को देखकर आपको बस मजा ही आ गया होगा। और अगर वाकई आपको मजा आया दोस्तों, तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है अपने तमाम दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो बिल्कुल से सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ऐसे मजेदार और नए नए हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस लाते हैं, आपको सबसे पहले पता चल सके। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।